से नहीं बढ़ रहा है। और द्वारिका वासियों को जैसे ही पता चलता है कि आज कई दिनों के बाद हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया, हमारे प्राण धन आज पहुंच रहे हैं, तो पूरे नगर को सजाया गया, बंधनवार लगाया गया, घर घर के सामने रंगोलियां पूरी गई और सभी फूल माला लेकर अपने कन्हैया के स्वागत के लिए खड़े हैं। आज माता देवकी को इतना इतनी प्रसन्नता है कि मेरा कृष्ण पांडवों को विजय दिलाकर आ रहा है। और कृष्ण ने द्वारिका पहुंचकर सबसे पहले अपने माता पिता को नहीं, अपने नगर वासियों को प्रणाम किया और पूछा कि भैया मेरे जाने से आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो सभी ने कहा कि कन्हैया भला आप जिनके साथ हो उन्हें तकलीफ कैसे हो सकती है, अरे आपकी कृपा से सब कुछ ठीक था, बस एक ही कमी थी कि आप हमारे हृदय में तो थे परंतु सम्मुख नहीं थे। नगरवासी से मिलने के बाद अपने महल में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले गोविंद ने अपनी माता देवकी और माता यशोद्रोहिणी के चरणों को प्रणाम किया। प्रात काल उठ वे रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ वे रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहिं माथा, मात पिता मारता है तो उसे हृदय में धारण करता है, जैसे हम माला धारण करते हैं। ब्राह्मण के चरण चिन्ह जिसके वक्ष स्थल में है, संसार की रचना करी तो ब्राह्मण के अंगूठे से घुसकर शरीर के अंदर पहुंचा तो कितना ब्राह्मणों का सम्मान करता है। तो वह भगवान जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, 14 लोक के स्वामी है, वह भी जब धरती में आता है तो अपने माता पिता को सम्मान देता है। यहाँ कथा चल रही है माता पिता के लिए, तो माता को बड़ा संकोच होता है। मैंने कहा माता जी से कि आप सोफा में बैठ जाया करो, तो वो कहती हैं कि सोफा में बैठने में अच्छा नहीं लगता। परंतु भगवान कहते हैं कि व्यास गुरु माता पिता सभी का आसन मेरे से ऊंचा है, तो अगर आप सोफा में भी बैठोगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपके पुत्र पुत्री या बहू आपके नीचे बैठे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि भले मेरे आपके लिए मैं व्यास हूं, परंतु आपके पुत्र के लिए सबसे बड़े तीर्थ आप हैं, अतः आपको ऊपर बैठने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और परंतु व्यास से ऊंचा आसन ना हो, तो व्यास आसन इतना ऊंचा लगाया गया है कि आप कभी भी व्यास से ऊंचे नहीं हो सकते। अब प्रश्न उठता है कि व्यास से ऊंचा आसन क्यों नहीं बैठना चाहिए, क्यों लोग व्यास के या कथा सुनाने वाले के या गुरु के नीचे बैठना चाहिए और सम्मुख बैठना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व की एक कथा है कि जब भगवान ने महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, बीच में रथ खड़ा किया कि कोई ना सुन सके, और वातावरण को माया मोह बना दिया कि लोग सिर्फ देख रहे हैं कि भगवान का वह छोटा रूप खड़ा है, परंतु भगवान विराट रूप में रहकर कथा सुना रहे हैं। और गीता का ज्ञान सुनाने के बाद अचानक भगवान की आंखों में क्रोध उत्पन्न हुआ कि इतना क्रोध आज तक मेरे कन्हैया की आंखों में कभी नहीं देखा। अर्जुन थरथर कांप रहा है कि प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई। भगवान ने कहा कि तू तो मेरा भक्त है, मेरा हृदय है, तुझसे भला क्या गलती हो सकती है। परंतु यहाँ पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई ऐसा है जिसने मेरे ज्ञान को सुना है, कौन है वह यहाँ सामने आया। तो झंडे के ऊपर हनुमान जी बैठे थे, तुरंत कांपते कांपते नीचे आए और चरणों में आए और बोले क्षमा करे प्रभु। तो भगवान ने कहा कि यद्यपि तू मेरा त्रेता युग से मेरा सेवक है, परंतु शास्त्रों में लिखा गया है कि जब कोई कथा सुनाए या कोई ज्ञान दे तो उसका स्थान ऊंचा होता है, और उस समय जिस ज्ञान प्राप्त करने वाले को हमेशा नीचे बैठना चाहिए। इस समय मैं जगत को गीता का ज्ञान दे रहा था और तू मेरे ऊपर बैठकर ध्वजा में मेरा ज्ञान सुन रहा था, अतः तू भले ही मुझे प्रिय है पर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाच हो जा। भूत प्रेत निशाच निकट नहीं आवे, जिसके नाम से भूत प्रेत निकट नहीं आते, वह भी आज व्यास के ऊपर बैठकर कथा सुनने के कारण से पिशाच हो गए, ऐसे हनुमान जी महाराज। तो भगवान ने क्षमा याचना करी, तो अर्जुन ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, भक्त अगर गलती करता है तो उसमें भी आपकी माया है, और भक्त अगर धर्म कर्म करता है उसमें भी आपकी माया है, आप श्री हनुमान जी को क्षमा करिए। तो भगवान ने कहा कि अपराधी मेरे लिए अपराधी होता है,
अगर जिसने ब्राह्मणों की निंदा की, जिसने माता पिता की निंदा की, जिसने गौ की निंदा की, जिसने सास ससुर की निंदा की, जिसने सम्मानी विद्वान जनों की, और जहां वेद पुराण कथा हो रही है, कथा में जिसने वार्तालाप भंग किया, अर्थात कथा के क्रम को तोड़ने वाला भी पांच महापातकी में माना गया है, या देवी भागवत कहती है, बालक की हत्या करने वाला पर स्त्री का गमन करने वाला और अबला स्त्री को मारने वाला, गुरु का अपमान करने वाला और कथा के बीच में भंग करने वाला, यह ब्रह्म हत्या के समान है, इनकी हत्या करने में भी वध का दोष नहीं लगता, यह देवी पुराण कहती है। तो हनुमान जी ने जब क्षमा याचना करी तो भगवान भक्त वत्सल है, वत्सल का अर्थात होता बछड़ा, तो बछड़े को देखकर जैसे गाय होती है, ऐसे भगवान भी अपने वत्स के लिए होते हैं। परंतु वह जगत में जब भगवान भी यहाँ जन्म लेते हैं, भगवान राम तो स्वयं नारायण थे, चाहते तो एक तीर चलाते और रावण की लंका का विनाश कर देते, परंतु वह कहते हैं कि यहाँ मैं मनुष्य रूप में, मर्यादा रूप में आया हूँ। जो कार्य मनुष्य जिस प्रकार उद्यमैन ही सिद्ध्यन्ते, मेहनत कर्म से ही व्यक्ति कार्य को पा सकता है, जादू टोने से नहीं, तो मुझे वही रूप दिखाना पड़ेगा, अगले जन्म में मैं इनकी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। तो हनुमान जी से भगवान ने कहा कि वेदों के नियम के अनुसार जो चले वह भगवान है, यहाँ आकर मुझे भी वेद के अनुसार चलना पड़ता है। वेद की आज्ञा है कि राजा को प्रजा के अनुसार चलना चाहिए, तो आज भगवान श्री कृष्ण भी अपने प्रजा को अपना सर्वस्व मानते हुए अपने माता पिता को छोड़कर अपने प्रजा के लिए जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने जब क्षमा याचना करी तो भगवान ने कहा कि ठीक है, यह काशी के कुरुक्षेत्र में भगवान ने कहा कि तू ऐसा कोई ग्रंथ एक क्षण मात्र में लिख दे जिसको पढ़ने से व्यक्ति पिशाच की योनि से भी छूट जाए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, हर कार्य को कराने वाले आप हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तुरंत उन्होंने हनुमान जी ने श्री राम कृष्ण जी की परिक्रमा की और उतने ही समय में उन्होंने पिशाच मोचन नाम का एक ग्रंथ लिख डाला और काशी विश्वनाथ में वही पिशाच मोचन नाम का मंदिर है, जहां के दर्शन करने से व्यक्ति कभी पिशाच के नाम से नहीं आता और हनुमान जी पिशाच से बचे। तो इस कारण से कभी व्यास के ऊपर बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए या बराबरी में बैठकर, परंतु आसन थोड़ा सा नीचे हो। तो आज कृष्ण भगवान का नियम था कि वह अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और आकर वह अपने रोहिणी माता और देवकी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम्। आपके घर में कोई आया है अतिथि तो उसका अभिवादन करिए, भगवान मुस्कुराना जानते हैं। अभिवादन और शील अर्थात विनम्रता अगर आपके हृदय में होंगी तो परमेश्वर वास करेगा, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाही। या तो अहंकार को रख लो या परमेश्वर को, अहंकार रहेगा तो माया रहेगी और विनम्रता रहेगी तो परमेश्वर वास करेगा। और वृद्धोप सेविना, बूढ़ों बुजुर्गों की, गरीबों की, अनाथों की, जरूरतमंदों की सेवा करो। ध्यान दीजिएगा, आप जो 100 करोड़ के मालिक है या इतनी बड़ी संपत्ति आपने कमाया है, यह आपके पुण्यों का फल है। आपने किसी जन्म में तपस्या की होगी, नहीं तो सभी को भगवान देते। तो किसी जन्म में आपने दान पुण्य धर्म किया होगा जो आपको भगवान ने इतना बड़ा प्रसाद दिया है। और शास्त्र कहते हैं कि प्रसाद को हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए, अकेले खाने वाला चोर के समान है, या गीता में कहा गया है, जो स्वयं के लिए पकाता है वह चोर है। तो चार चीजें, अभिवादन, शीलश और बूढ़ों की सेवा, ये और नित्य, इस प्रकार की चार चीजों से चार चीजें बढ़ती है। एक आयु बढ़ती है, दूसरी विद्या बढ़ती है, तीसरा यश बढ़ता है, चौथा हमारा बल बढ़ता है। और जो अभिवादनशील होते हैं हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो कितना भी आपका दुश्मन है अगर आप उसके चरणों में चले जाएं तो वह अंदर ही मन से आपको खुशी रहो जरूर कहेगा। कितना भी बड़ा आपका शत्रु हो, एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख लो। 5 साल से हम कहते हैं कि फलाने आदमी को हम वोट नहीं देंगे और आखिरी समय में आकर पांव पकड़ लेता है और आप नम्र हो जाते हैं। राजा परीक्षित से यही गलती हुई, कलयुग ने इतना पाप किया परंतु चरण पकड़ने से द्रवित हुए, और आज द्रवित ना होते तो किसी के चरणों में अगर गिरोगे तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए साधु मंत किसी भी को भी अपना शरीर स्पर्श करने नहीं देते, क्योंकि उसके परमाणु कुछ वहां चले जाते हैं और उसके पापी कण यहाँ आ जाते हैं। तो इस कारण से हमारी आयु में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना चाहिए। हम भूलते जा रहे हैं प्रणाम करने की प्रक्रिया। आजकल तो हाय हाय कहा जाता है, अरे जब व्यक्ति मरता है तब हाय कहा जाता है, परंतु हम तो आज ही से हाय लगा रहे हैं।
तो हाय हाय कहोगे तो जीवन में हाय हाय आएगा, और प्रणाम करोगे तो जीवन में हमेशा लक्ष्मी और नारायण का वास आएगा। प्रणाम से ही परिणाम आते हैं, और हाय हाय करने से ही जीवन में या तो अगले योनि में हाय हाय करोगे श्रावण के महीने में, या इस जन्म में हाय हाय करते ही मर जाओगे। तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जब चीन का राष्ट्रपति कितना विद्वान अंग्रेजी जानता है, परंतु जब भाषण देता है किसी भी देश में जाके तो अपनी ही भाषा में चीनी में देता है। जर्मनी का राष्ट्रपति जर्मन भाषा में देता है। जापान के राष्ट्रपति को देख लो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो वह जापान की भाषा में भाषण देता है, परंतु हमारे गांव में कोई गांव का एक छोटा सा पार्षद भी बन जाता है तो वह दो चार शब्द अंग्रेजी के जरूर बोल देता है। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। और मातृभूमि अगर आप देहाती भी बोल रहे हो तो हमें गर्व है, क्योंकि हमारी माता ने हमें जन्म में यह भाषा दिया। आप अंग्रेजी में भगवान की प्रार्थना कर लो, पर प्रार्थना नहीं, अरे क्या भगवान कन्नड़ भाषा जानते हैं? क्या भगवान तमिलनाडु जानते हैं? क्या भगवान अमेरिकन जानते हैं? नहीं, भगवान इन भाषाओं को नहीं जानते। भाई तो भगवान भक्त के हृदय की भाषा जानते हैं। तो हम जब अपनी भाषा में भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना दिल से निकलती है, जिसे हमारा कन्हैया अपनाता है। परंतु अंग्रेजी में प्रार्थना करोगे तो वह भाव नहीं आएंगे। तो जैसा आप बोलते हैं धन्यवाद दो भगवान को और गर्व करो कि यह हमारी भाषा है। तमिल का व्यक्ति जब बात करता है तो उसे शर्म नहीं आती, पर जब हम बड़ी सोसाइटी में जाते हैं तो बोलते हैं अरे पापा बोलो, जीवन भर पाप करे हो इसलिए पापा बने हो। और मम्मी साउथ में जो मिस्र में मम्मी अर्थात लाश को मसाला लगाकर रखा जाता है उसको मम्मी कहते हैं, तो मम्मी का अर्थ होता है। और आज हम मम्मी यानी जीती जाती मुर्दा बना दिए, और पाप करते रहता है हमारे लिए पेट पालने के लिए तो उसे पापा। पुत्र कौन है? पूम नामने नरके त्राणयेत सा पुत्र है। जो पू नाम के नरकों से अपने पितरों को बचाता है वह पुत्र है। कोई जन्म लेने वाला पुत्र नहीं होता। अरे माताओं को हमेशा, अगर आप अच्छी पत्नी है तो अच्छी आदर्श पत्नी बनकर बताइए, अगर आप माता है तो अच्छी माताएं बनिए। माताएं सिंदूर लगाती हैं और यह भगवान का दिया हुआ उन्हें वरदान है। इसी वरदान को पाने के लिए वह कितना व्रत उपवास रखती हैं, 16 सोमवार रखती हैं। तो यह भगवती का दिया हुआ वरदान है, तो हमें इस वरदान के लिए शर्म क्या करना। सौभाग्यवती स्त्रियों के सिंदूर उसके माथे का ताज होता है। इसी सिंदूर की रक्षा के लिए ही सावित्री यमराज से लड़ गई। और पहले के समय में माताएं बड़ी लंबी मोटी मांग रखती थी कि 1 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता कि कोई सौभाग्यवती माता आ रही है, परंतु आजकल सिंदूर के नाम से इतना सा लगा लिया जाता है। कोने में कहीं थोड़ा सा भस्मा या कुछ, कहीं कहीं तो बदल बदल कर रंग लगाते हैं, शायद बदल बदल कर सिंदूर यानी पति की दीर्घायु, तो बदल बदल कर रंग लगाती, इसलिए उनके पति के स्वभाव भी रंग के समान बदलते रहते हैं। कभी यहां भागते फिरते हैं, कभी वहां भागते फिरते हैं। तो सिंदूर लगाने में शर्म काहे की, यह सिंदूर तो सुहागिनों का मान है, सम्मान है। अरे पति की दीर्घायु की पहचान है, जितना लंबी मांग उतनी ही पति का। परंतु आजकल लंबी मांग यानी लंबी डिमांड, जिस दिन अच्छी सिंदूर लगा ली या उपास रह ली तो आज तो मंगल सूत्र सोने का वो हार 9 लखा पक्का। तो लंबी मांग का मतलब मांग नहीं करना है, मांग का मतलब हमारे पति इतने लंबे हो, एक बार माता उनकी दीर्घायु हो। एक बार माता जानकी अपने माथे में सिंदूर लगा रही थी, भगवान हनुमान जी उस दृश्य को देख रहे थे। उत्सुकता हुई, माता से पूछी कि हे माँ कि आपने यह सिंदूर किस लिए लगाया है, भला इससे क्या होता है? तो माता ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि इससे मेरे पति की श्री राम जी की प्रभु की उम्र बढ़ती है, और उनकी उम्र इतनी बढ़े इसलिए मैं सिंदूर को लगाती हूँ। अरे यह तो मेरा सौभाग्य है इसको लगाने से। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर सिंदूर लगाने से उम्र बढ़ सकती है मेरे स्वामी की, तो मैं तो पूरे शरीर में लगा लूंगा। और हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिए। तो केवल दुनिया में 2 देवता ऐसे हैं जो सिंदूर लगाने से प्रसन्न होते हैं, एक भगवान श्री गणेश और दूसरे सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। ओ जहाँ राम नाम का सिमरन हनुमान होता है। जहाँ राम नाम का सिमरन हनुमान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब
करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। एक तो हनुमान जी सिंदूर चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और दूसरा किस चीज से प्रसन्न होते हैं? सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। निष्कपट चरित्र जब श्री राम ने देखा तो बोला कि हे हनुमान, जिसका हृदय भावुक हो, जिसके हृदय में छल कपट मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और तुम्हारे इस सरल हृदय के कारण से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से जो तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उस पर तुम कृपा करो चाहे ना करो, मैं जरूर करूंगा। तो हनुमान जी को अगर सिंदूर चढ़ाए या राम राम बोले तो हनुमान जी कृपा होती है। आजकल तो लोग मर्यादा को भूल गए हैं और पत्नियां केवल अपने उद्रम भरनो जीवा, अपने पेट को पालने के लिए उन्हें रिश्तेदारों से किसी से, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य के कारण से ही हमें यह परिवार मिला है। और पहले जो माताएं होती थी वह लंबे सिंदूर लगाती थी और आज इतना सा लगा लेती हैं रंग बदल बदल कर, तो उनके पति भी अब स्वभाव को बदलते रहते हैं, यहाँ वहाँ भागते फिरते रहते हैं। सिंदूर लगाने में शर्म किस बात की, सुहागिन का मान है सम्मान है, पति की दीर्घायु है। अरे इसी सिंदूर की रक्षा के लिए तो हमने 16 सोमवार उपास रहा, भगवती की सेवा करी, नवरात्रि में हम उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं। और पहले जो माताएं होती थी उनमें सत्य रहता था, मंगल सूत्र को परमेश्वर के समान मानती थी, मंगल सूत्र का उनके जीवन में बड़ा ही महत्व था। जो एक पति का था उस मंगल सूत्र को बड़े छुपा कर रहती थी, यानी यह मेरे पति का सम्मान है, और छोटा सा मंगल सूत्र पहनती थी, पर उनके भाव कितने ऊंचे। मंगल सूत्र छोटा सा परंतु भाव इतने की मेरे पति का कितना सम्मान। आजकल तो इतना लंबा मंगल सूत्र लटकता है कि अगर मंगल ही सूत्र देखकर पता चलता है कि यह पतिव्रता है, अर्थात व्यक्ति की वेशभूषा से ही उसके पतिव्रता का धर्म पता चलता है। कमर के नीचे लटकने वाला, अरे हृदय तक ही माला लटकना चाहिए कमर के नीचे, तो हमारा शरीर ही अशुद्ध है भगवान ने। तो जितनी लंबी मांग भरती है उतनी लंबी डिमांड करती है, वह कौन सा व्रत आता है जिसे कहते हैं करवा चौथ। उस दिन माताओं की बड़ी डिमांड रहती है कि आज मैंने आपके लिए बड़ा करवा चौथ का उपास रखा है आपकी दीर्घायु के लिए, पर कहे देती हूँ मेरे लिए शाम को एक हार जरूर आना चाहिए, या वो बनारसी साड़ी या सूरत की साड़ी जरूर आना चाहिए। उनके पति 3 तोला हार लेकर आए थे। इस बार तो मैं
पड़ोसी के पति ने 3 तोला हार लाया और इस बार आप नहीं लाए तो मैं नहीं देख लूंगी। तो पति भी बेचारा सोचता है कि एक तो जीवन भर साल भर पत्नियां जीने नहीं देती और करवा चौथ रखकर मरने भी नहीं देती। तो बेचारा बड़ी तो पहले शादीशुदा की पहचान थी पत्नी का लंबा घूंघट लाज हया पति का आदर। आजकल तो सलवार सूट का जमाना है, मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा। अगर मंगलसूत्र लटका है तो समझ लो लड़की शादीशुदा और मुंह लटका है तो समझ लो लड़का शादीशुदा। तो ऐसे जमाना आ गए हैं। तो हम यह नहीं कहते, हम किसी की निंदा नहीं करते। देखिए अगर कटाक्ष ना हो तो हृदय में नहीं जाता। तो हमें पत्नी पति का सम्मान हृदय में रखना। जैसे हनुमान जी ने तो हृदय से ही, कोई मूर्ति लेकर नहीं घूमते थे, हृदय में ही उन्होंने भगवान के दर्शन करा दिए। तो पति का सम्मान कब है? जब सास ससुर का सम्मान हो, क्योंकि वह पति तुम्हें तब प्राप्त हुआ है जब वह माता पिता उसे धरती में नहीं लाते। तो पहले भगवान ने आपके पुण्य होंगे तो जीवों में तो पुरुषों को तो एक ही माता पिता प्राप्त होते हैं, परंतु आपके सौभाग्य है कि आप 2 कुल को तारने के लिए आए हैं, वह तो एक ही कुल को तार पाता है। तो हम एक आदर्श बेटी बने जैसे माता सीता ने। आजकल की बेटियों को वनवास मिलता तो कोर्ट में अर्जी कर देती और ब्रीफकेस लेकर अपने मायके चले जाती और कहते कि तुम्हारे पिताजी सठियाई हैं तो तुम जाओ, मैं काय को जाऊं, मैं अपने चली मायके। तो ऐसा जमाना नहीं, बस समय था, आदर्श था, क्योंकि यथा अन्नो तथा मन। पहले लोग धर्म का कमाते थे, परंतु आज तो माताएं इस चीज को तो देख, पतियों को भी देखा गया है कि बड़े बाहर सेखी बघारते हैं, बाहर जाएंगे तो बोलते हैं कि मैं बड़ा शेर हूं, मैं बड़ा ताकतवर हूं, अपनी डींगे हाँकते हैं कि मुझसे बढ़कर तो कोई नहीं, मेरा तो पूरा एक छत्र राज चलता है, और घर में आकर खुश हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि त्रेता युग में जो बाली था, वह बाली क्या था कि जिसके सामने जो आता था उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती थी। बाली को यह वरदान था कि उसके सामने कोई आया तो उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है, और कलयुग में ये घरवाली है, उनके सामने पति आता है तो उसकी आधी शक्ति वही खत्म हो जाती है। तो आज भगवान आ रहे हैं और सारे उनके स्वागत के लिए हैं, परंतु हमारे देश की भाषा, मैं कह रहा था कि बोलना है तो अपने देश की भाषा बोलो। हमारे यहाँ कोई गली मोहल्ले का भी एक सरपंच बन जाता है या पंच, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी टूटी फूटी, भले किसी को गॉड को डॉग बोले और डॉग को गॉड बोले, तो परंतु जो हमारी भाषा है। खाते पीते घर के आदमी को अगर तुम बोल दो पीते खाते घर के आदमी तो क्या होगा? तो हम ऐसी भाषा बोलें जो हमें समझ में आए। तो